पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाला जल्द ही देश में होगा। मगर इस मामले को लेकर मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी के सांसद ने भी वित्त मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। नीरव मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी अक्सर आरोप लगाती है कि केंद्र ने जानबूझकर पीएनबी घोटाले के आरोपी को भगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हर मंच से ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बल्कि नोटबंदी कर माल्या नीरव मोदी जैसे कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। वहीं अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसे लेकर वित्त मंत्रालय और मंत्री अरुण जेटली को घेरा है। स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर काफी मेहनत की है, लेकिन वित्त मंत्रालय की वजह से इसमें देरी हुई, यहाँ तक कि उन्होंने सोने का बिस्किट भी लिया। स्वामी ने कहा कि वित्त मंत्रालय सचेत रहता तो नीरव मोदी कभी देश छोड़कर नहीं जा सकता था। हमें इसके लिए वित्त मंत्रालय में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी ने जेटली पर सियासी हमला बोला हो। इससे पहले उन्होंने विजय माल्या के भागने के लिए भी जेटली को ही जिम्मेदार ठहराया था। वहीं रघुराम राजन का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी बीजेपी से राज्यसभा सांसद ने जेटली को घेरा था, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें अनुशासन में रहने की नसीहत दी थी, लेकिन स्वामी कहां मानने वाले हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।